तो मित्रों आरंभ करते हैं आर्द्रा नक्षत्र से। आर्द्रा नक्षत्र के देवता हैं सदाशिव शिव और स्वामी ग्रह हैं वरुण देव। तो आइए थोड़ी सी आराधना करते हैं आर्द्रा नक्षत्र की, उनके देवों की, उसके बाद आपके भविष्य कथन की ओर चलेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम अपां पतये वरुणाय नमः, ओम जल बिंबाय विद्महे नील पुरुषाय धीमहि तन्नो वरुण प्रचोदया। आर्द्रायन्तु शिवं पूज्य पश्चाद विजमाप्नुयात्। पद्मादिभिः सह दिव्यश्च पूजितः संप्रयच्छति। नमः नमः नमः। बोलिए वरुण भगवान की जय, बोलिए देवाधिदेव महादेव की जय। वरुण देव आर्द्रा स्वाति और शतभिषा नक्षत्र के स्वामी ग्रह हैं। आर्द्रा नक्षत्र एक चमकीला तारा है जिसे मणि रत्न भी कहा जाता है और ये एक डायमंड की तरह, एक हीरे की तरह चमकीला है। आर्द्रा का जो अर्थ है वो नमी से है, ये वर्षा ऋतु के आगमन का भी सूचक होता है। आर्द्रा नक्षत्र में जन्मा जातक और उसकी देह जो है वो पुष्ट होती है, ये पराक्रमी व परिश्रमी होते हैं, ये धन अवश्य कमाते हैं लेकिन उसे जोड़ नहीं पाते हैं, ये इनकी समस्या होती है। आध्यात्मिक दृष्टि से विकसित व्यक्ति, सृष्टि सृष्टा व्यक्ति और समाज तथा प्रकृति और पुरुष का संबंध जानने का जो प्रयास करते हैं ये, तथा आर्द्रा नक्षत्र से प्राप्त ऊर्जा का प्रयोग समाज और विश्व कल्याण के लिए करते हैं, उसमें लगा देते हैं। साफ सफाई इनकी पहचान है, इनकी विशेषता है। ये टेक्निकल कंप्यूटर के क्षेत्र में ज्ञाता, कई भाषाओं के ज्ञानी, दार्शनिक, खेल के माहिर, चिंतक, अनुसंधान शोधकर्ता, लेखक उपन्यासकार, वैज्ञानिक, दिमागी खेल के माहिर जातक होते हैं ये। और ये महत्वाकांक्षी ऊंचे लक्ष्य को लेकर चलने वाले होते हैं। अपने ज्ञान के विस्तार के लिए जातक सदैव प्रयत्नशील रहते हैं। इनके साथ सदाशिव तथा वरुण देव जल देव के गुणों का प्रभाव भी जुड़ जाता है और जीवन में पूर्ण रूप से इनको प्रभावित करते रहते हैं। आइए मित्रों हम आपको आर्द्रा नक्षत्र के जातकों के लिए सोहन पद्धति के द्वारा बताते हैं कि ये जो नया वर्ष है ये जनवरी से लेकर दिसंबर तक कैसा रहेगा, इसका विस्तार पूर्वक वर्णन मैं आपको बताता हूँ। हाँ, कृपया करके जो वीडियो है इसे जल्दी मत देखिएगा या बीच में आगे बढ़ा बढ़ा कर मत देखिएगा, क्योंकि उससे आपका जो भविष्य कथन है वो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये पद्धति थोड़ा भिन्न है जैसा कि हमने प्रारंभ में भी बताया था।